फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक ये है वाइस का 39 इंच का टीवी है जिसका मॉडल नंबर है BN39-F401। और इसमें फॉल्ट क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने पर यहाँ पर रेड इंडिकेटर आ रहा है। इसके आगे जब हम रिमोट से दबाते हैं तो कोई भी फंक्शन नहीं करता, ना ही रिमोट से करता है ना की से करता है। सो की भी काम नहीं कर रही है और रिमोट से भी काम नहीं कर रहा है। सो देख लेते हैं पहले इस तरह के फॉल्ट्स के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। आप मल्टीमीटर का यूज़ करोगे, उसके बाद ऑसिलोस्कोप का। सो फर्स्ट थिंग, हमेशा आपको 12 वोल्ट पहले देखना है। सो यहाँ पर आप 12 वोल्ट देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड वोल्टेज जो है वो आपको देखना होगा। ये 6 पिन का रेगुलेटर है, यहाँ पर आपको 5 वोल्ट देखना है। 12 से 5 बनते हैं, फिर 5 से बाकी के स्टेप डाउन वोल्टेजेस। और 1.2 वोल्ट आपको कोर वोल्टेज चेक करना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये कोर वोल्टेज के बाद आपको देखना होगा 3.3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोल्टेज। तो 8 नंबर की पिन जो है उस पर 3.3 वोल्ट आप यहाँ मेज़र कर सकते हैं, जो कि यहाँ से निकलते हैं। आप देखेंगे 5 वोल्ट कांस्टेंट इधर आ रहा है और एक 5 वोल्ट आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, यहाँ पर। और आउटपुट जो होगा 1.8 एंड 3.3 वोल्ट आप यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। सो ये जो आईसी है, रेगुलेटर आईसी, 5 वोल्ट इनपुट करने के बाद 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट आउट कर रही है। और इसके बाद फिर आपको ये सारे चीज़ें चेक करने के बाद सिग्नल्स चेक करने होंगे। तो सबसे पहला हमने अभी आपको वोल्टेज चेक करके बताया, जो कि 3.3 1.2 कांस्टेंट आपको माइक्रो प्रोसेसर को देने होते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सिग्नल होता है वो होता है क्लॉक सिग्नल। उसे चेक करने के लिए ये जो क्रिस्टल है इसकी लेग्स नीचे है, यहाँ हम क्रिस्टल की जो वेवफॉर्म से देखेंगे। पहले यहाँ आप देख सकते हैं वो 24 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल आपको यहाँ देखने मिलेगा। और दूसरे पॉइंट पर भी आपको यहाँ 24 मेगाहर्ट्ज़ दिखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि 24 मेगाहर्ट्ज़ कांस्टेंट है और इसकी जो वेवफॉर्म से ये भी क्लियर है। इससे आगे बढ़ते हुए अब हम फ्लैश आईसी पे पहुँचेंगे, क्योंकि प्रोसेसर जब फर्स्ट जो क्लॉक सिग्नल्स होते हैं उनको शेयरिंग करता है, तो फर्स्ट शेयरिंग जो करता है स्टैंड बाई मोड में वो है फ्लैश आईसी को। सो हम क्लॉक फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे इसकी 6 नंबर की पिन पर। फ्लैश आईसी आपको 25 सीरीज की आईसी मिलेगी इस पर, जो कि 8 लैक की है। इसमें 6 नंबर की पिन पे आपको फ्रीक्वेंसी देखनी है, जो कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ मेज़र कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है। सो यहाँ पर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर और फ्लैश आईसी ये एब्सेंट है। फ्लैश डेटा को रीड करेंगे और सेव कर लेंगे। इसके लिए आप या तो RT809F का भी यूज़ कर सकते हैं या H का, दोनों ही प्रोग्रामर जो है इसमें काम करेंगे। और ऑनलाइन प्रोग्रामिंग इसमें अवेलेबल है इस बोर्ड के साथ। सो हम ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करके देखेंगे इसमें। इसके लिए ज़रूरी होगा हमें एक तो प्रोग्रामर बॉक्स, जो कि RT809F या H चलेगा, एक डेटा केबल जो कि इसके साथ कनेक्टेड रहेगा। मैं यहां पर RT809H यूज़ कर रहा हूं और प्रोग्रामिंग करके देख लेते हैं पहले। अगर जो आपको वापस रिटर्न होना है जहां पर से आपने शुरुआत की थी, तो आप वापस वहां जा सकते हैं, अगर जो आपने उसकी प्रोग्रामिंग ले रखी हो तो। पुरानी प्रोग्रामिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी प्रोग्राम करप्ट हो सकता है आपके पास। तो आप इसका जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है उसको हमेशा रीड एंड सेव करें। सो यहाँ पर अभी मैंने प्रोग्रामर कनेक्ट कर दिया है इस बोर्ड के साथ। आप देख सकते हैं रेड इंडिकेटर अभी ऑन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें RT809H प्रोग्रामर का आइकॉन खोलेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये ओपन किया, ठीक है। यहाँ पर ये कनेक्टेड हो चुका है। अभी ऑटो ISP हम सिलेक्ट करते हैं इसमें। सो आप देख सकते हैं कि ऑटो मोड सिलेक्ट हो गया है।
न्यूअर वर्जन की बात कर रहा है, हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहला काम करेंगे रीड, ठीक है। हम स्टार्ट रीडिंग कर रहे हैं, तो ये स्टार्ट रीडिंग हो चुका है। इस फ्लैश आईसी में से जो प्रोग्राम है, अब हम पहले हम अपने कंप्यूटर में टेम्पररी स्टोरेज के लिए रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक हमें क्लियर ना हो जाए कि ये सॉफ्टवेयर करप्ट है या नहीं है। और ऑटो वेरीफाई हो रहा है। ऑटो वेरीफाई का मतलब ये है कि जो प्रोग्राम आईसी में से मिला और जो कंप्यूटर में ऑलरेडी ऐड कर चुका है, रीड हो चुका है, अभी सेव करना बाकी है, लेकिन वेरीफाई वो हो रहा है कि वो कंटेंट दोनों सेम है या नहीं। सो कभी ऑटो वेरीफिकेशन एरर आ जाता है तो आपकी आईसी आपको रिप्लेस करनी पड़ती है और नए प्रोग्राम के साथ आपको इसको सॉफ्टवेयर करना होता है। सो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि फ्लैश आईसी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं। खुल जाएगा, हमें खाली उसे सेव करना है, तो मैं अभी टेम्पररी स्टोरेज के लिए डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ इसको। और इसमें मैं जो यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ, फोल्डर को नाम दे देता हूँ वॉइस, और साथ में इसको ओपन करके सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बिन फाइल है यहाँ सेव हो चुकी है। अभी हम राइट कर लेते हैं, इसमें सबसे पहले बफर रीडिंग देख लेते हैं, बफर की रीडिंग क्या बता रही है। सो यहाँ देख सकते हैं बफर रीडिंग ओके है, लेकिन एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, हम प्रिंट स्क्रीन ले लेते हैं इस वैल्यू का, और जब नेक्स्ट हम राइट करते हैं दूसरा सॉफ्टवेयर, दोनों को कंपेयर कर लेंगे बाद में। सो फिर से हम ओपन करते हैं अब, और मैंने जहाँ पर सेव कर रखा है वहाँ जाना होगा पहले, और यहाँ पर ट्रेनिंग कंटेंट मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स अक्टूबर फर्मवेयर टू ऑल कंपनी, उसमें हम वॉइस में जाके मॉडल नंबर हमारा जो है ये VM39F401, जिसमें मैंने बोर्ड का भी फोटो रखा हुआ है ताकि मैं कभी क्रॉस चेक करना हो कि सेम बोर्ड है या नहीं, सो उसके लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉइस VM39F401 फुल HD टेस्टेड ओके फाइल मेरे पास पड़ी हुई है ऑलरेडी। हम अब ओके कर देते हैं उसे और राइट कर लेते हैं। सो राइट सक्सेसफुल हो चुका है, अभी ऑटो वेरिफिकेशन चल रहा है। सो यहाँ पर 300 सेकेंड्स में राइट हुआ, दैट मीन्स हम अगर जो इसे 60 से डिवाइड करते हैं तो करीब करीब 5 मिनट के करीब इसमें राइट टाइम हुआ। यहाँ पर ये जो टाइम लिया इसमें 553.6 सेकेंड के करीब लिया। फ्लैश आईसी की 6 नंबर की पिन पे जो वेवफॉर्म से 24 मेगाहर्ट्ज का जो 6 नंबर की पिन पे अब आ चुके हैं, और अब हम देख लेते हैं कि क्योंकि अभी कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर और फ्लैश आईसी होने लगा है, सो अब हम देख लेते हैं कि रिमोट से ये ऑन होता है या नहीं। यहाँ पर मैंने इसे रख दिया, अब मैं पावर की दबा रहा हूँ, तो आप देखोगे कि टीवी ओके हो चुका है। हमारी जो प्रॉब्लम्स थी लाई कर रही थी इस फ्लैश आईसी में, और इस आईसी के वजह से जो प्रॉब्लम थी सॉफ्टवेयर कर दिया, और उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कम्युनिकेशन चालू हो गया जो प्रोसेसर और आईसी के बीच में। इससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ किस तरह से हमने पूरी टेस्टिंग की है। सबसे पहले हमने 12 वोल्ट चेक किए इस डायोड पे, उसके बाद ये 6 पिन की जो रेगुलेटर है उस पर 5 वोल्ट जो कॉइल से आउट हो रहा है चेक किया, उसके बाद 1.2 वोल्ट जो इस रेगुलेटर से 5 लेग के रेगुलेटर से निकल रहा है जो कॉइल से आउटपुट 1.2 हमने चेक किए, उसके बाद ये जो आईसी है 8 पिन की यहाँ पर, इस आईसी पे हमने वोल्टेज चेक किया जो कि 3.3 ओके था, और 1.8 वोल्ट जो निकलना चाहिए वो भी ओके था। सो फिर हमने फाइनली जज किया कि फ्लैश आईसी की जो प्रोग्राम है वो गलत हो सकते हैं। फिर हमने ऑसिलोस्कोप की मदद से 6 नंबर की पिन पे चेक किया कि क्या वो
फ्लैश आईसी की गड़बड़ी हो सकती है, जो कम्युनिकेशन बिटवीन ये दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो उसको रोक रहा है। सो चेक करने पर पता चला फ्लैश आईसी को प्रोग्राम करने के बाद कि कम्युनिकेशन इसके वजह से टूटा था, फ्लैश की जो प्रोग्रामिंग में करप्शन होने की वजह से। सो अब टीवी एकदम ओके हो चुका है, टीवी ओके हो चुका है। अब मैं पावर बटन दबा रहा हूँ रिमोट से और ये रेड से येलो हो चुका और टीवी स्टार्ट हो गया है। वॉइस द साइंस ऑफ सिंपल। अब मैं सोर्स सिलेक्शन कर लेता हूँ पहले। सो टीवी ओके हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। सो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है ये वीडियो तो शेयर बटन का यूज़ कीजिए, और अगर जो मेरी चैनल से अब तक सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।